वेलकम टू रात्रि बिफोर नवरात्रि गरबा प्रोग्राम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अली और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्त यार, नवरात्रि आने वाली है और आप सबको पता है कि नवरात्रि में तो गरबा तो होता ही है। तो आज दाहोद शहर में यहाँ पे जलाराम पार्टी प्लॉट में एक गरबा का आयोजन हुआ है। उस गरबा का आयोजन में आज हम आपको ले जाने वाले हैं, तो चलिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो आज के इस प्रोग्राम के आयोजक है ये सत्येंद्र भाई सोलंकी। हम इनसे आज पूछेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, इन्होंने क्या आयोजन किया है। सर बताइए, आज के प्रोग्राम के बारे में आपने क्या आयोजन किया है? दाहोद की जनता के लिए आज हमने रात्रि बिफोर नवरात्रि का आयोजन करा हुआ है। इसमें पूरे दाहोद शहर में से करीबन 400 से 500 स्पर्धक आएंगे, खिलाड़ी आएंगे और इनके बीच में हमारे 3-4 जज भी रहेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे और हर प्रकार की कैटेगरी में हम इनको प्रोत्साहित भी करने वाले हैं। आज मसाल ग्रुप्स राजेश भाई घायल, इनका ऑर्केस्ट्रा पार्टी है, बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन होने वाला है, लोग एंजॉय करेंगे। और लायंस क्लब दाहोद की सभी क्लब है, लायंस क्लब दाहोद गोदी रोड, लायंस क्लब सिटी, लायंस क्लब एबिलिटी और लायंस क्लब मेन, सब मिलके इसका आयोजन कर रहे हैं। जय हिंद जय लाइन। लायंस क्लब के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया आयोजन होने वाला है, एक गरबा का आयोजन रात्रि बिफोर नवरात्रि। अब चले बात करते हैं थोड़ी हमारे स्कूल के टीचर कमलेश भाई लिंबाचिया से। सर अपना नाम और अपने पहले तो पदवी बताइए और आज का कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। लायन कमलेश लिंबाचिया, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, माइक्रो कैबिनेट मेंबर। और आज सत्येंद्र भाई सोलंकी ने जो कार्यक्रम रखा हुआ है उसका जो तैयारी रूप है इसकी आज मुआयना करने आए हैं। जो जैसे शाम को अच्छे तरह से प्रोग्राम हुए उसका आयोजन के लिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और शाम को बड़ी भारी मात्रा में खिलाड़ी आएंगे और नवरात्रि के गरबे रात्रि बिफोर नवरात्रि की तैयारी के रूप में खेले या खेलेंगे। धन्यवाद सर। अब जो लायंस क्लब के सेक्रेटरी है यहाँ दाहोद के, जो ये सब पूरा आयोजन कर रहे हैं, हम उनसे मिलाते हैं आपको। चलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। ये मंदिर भाई गुप्ता, ये पूरा आयोजन इन्होंने किया है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि इस आयोजन के बारे में आपने क्या क्या सोच रखा है, रात को क्या क्या होगा, क्या क्या फैसिलिटी सबको मिलेगी, खिले कितने आएंगे, ऑर्केस्ट्रा में कौन होगा, ये सब थोड़ी जानकारी दीजिए आप। हमारा एक्चुअली एपेक्स एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी नाम की हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पिछले 15 सालों से हम लोग हर साल रात्रि बिफोर नवरात्रि का प्रोग्राम करते हैं। इस साल हम लोग ने एपेक्स कंप्यूटर एनके एकेडमी और लायंस क्लब ऑफ दाहोद गोदी रोड द्वारा हम लोग ने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें लगभग 1000 पब्लिक आएगी और हम लोगों का मसाल ग्रुप द्वारा ये संगीत की संध्या होगी। इसके अंदर हम लोग 3 कैटेगरी हम लोग ने जेंट्स की, 3 कैटेगरी लेडीज की और 3 कैटेगरी हम लोग ने ग्रुप की रखी है। उसके अलावा हम लोग कपल बच्चे लोगों को अलग से जो गरबे करते हैं उनको प्रोत्साहन इनाम देकर उनको सीधा उठा। ठीक है सर, धन्यवाद। देखा आपने किस तरह से आयोजन हुआ है और एपएस कंप्यूटर इनका चलता है। एपएस कंप्यूटर के नाम की एक संस्था चलती है जहाँ पे ये बच्चों को बहुत ही कम दाम में कंप्यूटर भी सिखाते हैं। तो मैं भी इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दूंगा, अगर आपको भी अपनी फैमिली में से किसी को कंप्यूटर सिखाना हो तो आप इनका संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज रात को यहीं पे गरबा का आयोजन होने वाले हैं, ये ग्राउंड, इसी ग्राउंड में आज रात को गरबा खेलने वाले हैं। वेलकम टू रात्रि बिफोर नवरात्रि गरबा प्रोग्राम। Oh, 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 oh
तो दोस्तों ये था आज का रात्रि बिफोर नवरात्रि गरबा कार्यक्रम। आशा है कि आपको ये वीडियो, ये गरबा, आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।